नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर सिटी में पड़ने वाला जल महल, जो कि ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर पैलेस नज़र आता है। दोस्तों और बोटिंग के माध्यम से इसके अंदर का भी नज़ारा देखा जा सकता है, लेकिन आज यहाँ बोटिंग का सुविधा नहीं है, इसलिए हम आज बाहर से ही इसका नज़ारा आप सबको दिखा रहे हैं। देख ही सकते हैं पानी में बहुत सारे मछली यहाँ पर तैरते हुए। दोस्तों जल महल के अंदर का नज़ारा भी काफ़ी शानदार है, यहाँ की कलाकृति जो भी बनाई गई है बेहद ही शानदार। बोला जाता है दोस्तों कि जितना ये बाहर नज़र आ रहा है, जल के बाहर जितना है उतना ही अंदर भी है, दो तीन छत अंदर का जो पानी में डूब चुका है, काफ़ी ही बेहद शानदार यहाँ जो पर्यटक स्थल मान सकते हैं इसको। दोस्तों यहाँ जल महल के किनारे जो भी पर्यटक आते हैं सेल्फी के बड़े ही दीवाने होते हैं। देख सकते हैं एक से एक पोज पर यहाँ पर सेल्फी लिया जाता है। और ये है जल महल के बगल में जो रोड किनारे जो बना हुआ है, वो भी काफ़ी शानदार तरीके से डिजाइन देकर बनाया गया है, ताकि यहाँ जो भी पर्यटक आए उनको यहाँ का जो भी लुक्स है अच्छा लगे। फ्रेंड्स, ये जो जल महल के पीछे साइड जो पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारा देखने लायक घूमने लायक जगह है, जैसे कि कनक बाग, मानसिंह किला जो पैलेस बोला जाता है, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत राजस्थान का पैलेस बनाया गया है, जिसमें से माना जाना पैलेस है दोस्तों मानसिंह का किला, उसका भी वीडियो आप सबको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं।
यहाँ देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, झील में नहाना वर्जित है, तारबंदी के उस पार ना जाएं, मछलियों को खाद्य वस्तुएं ना डालें, जिससे कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचता रहे।